एक और गोल्डफिश वीडियो, एक और, बहुत सारे बने हुए हैं, आज एक और बनने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। गोल्डफिश कुछ 1200 साल पुराना फिश है, नहीं उतना उम्र नहीं है उसका, लेकिन 1200 साल पहले 800 एडी में कहा जाता है कि चाइना में ये बनाया गया, ओके, कुछ कार्प और उसका क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया, और वहां पे चाइना में वो टाइम में रखते थे वेल्थ के लिए, अगर गोल्डफिश रखा तो पैसा आएगा करके वो मानते थे और रखते थे, और आज भी फेंगशुई वगैरह में वही मानते हैं ना, वही रखते हैं। तब से और आज तक गोल्डफिश के कुछ हजारों वैरायटी, कितने सारे कलर, बहुत मजेदार हो चुका है, और शायद वो टाइम में सिर्फ ऑरेंज कलर का जो रेगुलर गोल्डफिश आता है वही था, लेकिन आज इतने सारे वैरायटीज, कॉम्बिनेशंस, ये वो, कभी कभी हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उतने सारे हैं। आज इस गोल्डफिश वीडियो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, एक्चुअली दो चीज करने वाले हैं, इसलिए आखिरी तक देखो, बहुत मजेदार होगा। एक गोल्डफिश इंपोर्टर से बात करेंगे, मेरे दोस्त है यंग हॉबीस्ट शम्स पार्कर करके, गोल्डफिश हाउस से, उनसे बात करेंगे और कुछ यूनिक क्वेश्चंस पूछेंगे जो कोई दूसरा यूट्यूबर ने नहीं पूछा अब तक। बेस्ट पार्ट, उनको भी मालूम नहीं है कि मैं क्या पूछने वाला हूं, तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बायो ऑर्ब करके एक ब्रांड है, जर्मन प्रोडक्ट है, उसका एक लाइफ 30 करके बहुत इंटरेस्टिंग टैंक है, और मुझे लगता है कि ये पांडा गोल्डफिश उसमें बहुत सुंदर दिखेगा, तो वो मैं सेट करके दिखाता हूं, बहुत मजा आने वाला है। हो सकता है कि थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो जाए तो ये दो पार्ट में काट दूंगा मैं, बट अगर ये छोटा रहा वीडियो तो एक ही पार्ट में देख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो ये है शम्स पार्कर। पता नहीं आजकल के जनरेशन लोग स्माइल नहीं करते यार, अभी ये क्या है, हाँ देखो अभी अच्छा लग रहा है, हीरो लग रहा है शम्स, स्माइल करो यार, ओके। शम्स पार्कर है गोल्डफिश हाउस से, बहुत उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका टैलेंट और हॉबी और पैशन बहुत ज्यादा है। शम्स, आपका उम्र क्या है? सर मेरा उम्र 21 इयर्स है। 21 इयर्स में कोई किधर और था मैं, एनीवे यंग है। ये हॉबी और ये पैशन, ये गोल्डफिश इंपोर्ट करना क्यों? सर इसका मेरा मेन मकसद था क्योंकि बहुत सारे जो इंडिया में इंपोर्टर्स है वो गोल्डफिश इंपोर्ट करने से डरते थे, क्योंकि एक ऐसा फेथ बन गया था कि गोल्डफिश बहुत जल्दी मर जाती है, तो वो मुझे माइंडसेट चेंज करना था और इसलिए मैंने गोल्डफिश चूज किया। गोल्डफिश क्यों जल्दी मरता है शम्स? तो गोल्डफिश इसलिए मरता है क्योंकि लोग गोल्डफिश को एज अ कॉमन फिश रखते हैं, प्रॉपर केयर नहीं करते हैं और फीडिंग में थोड़ा गड़बड़ करते हैं। ये जो फिश है ये इंपोर्टेड है, कहां से आता है? ये फिश थाईलैंड से आता है सर। थाईलैंड से आता है, एंड ये कुछ यूनिक वैरायटीज है जी। हाँ, क्या वैरायटी है बताइए ना जरा। अभी ये टैंक में हमारे पास पांडाज है, ट्राइकलर एंड बटरफ्लाई टेलीस्कोप। पांडा, कुंफू पांडा? नो सर, पांडा ओरिएंटल, गोल्ड फिश पांडा, कुंफू नहीं। अच्छा, सो पांडा वैरायटीज है और उनमें दो कलर के हैं, तीन कलर के हैं, मतलब यू नो रेगुलर पांडा एंड ट्राइकलर पांडा, एंड इसमें टेलीस्कोप बटरफ्लाई भी है जी। ब्यूटीफुल, ऑसम, इन एग्जॉटिक गोल्डफिश बोलते हैं इसको, एग्जॉटिक फैंसी गोल्डफिश, इनके लिए कुछ स्पेशल केयर होता है क्या? यस, स्पेशल केयर होता है। उनको अच्छा फिल्ट्रेशन लगता है, पानी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी इज द रूट कॉज ऑफ एवरी डिसीज। ओके, यस, आप बोल रहे हो कि फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है और पानी अच्छा साफ रखना है। yes. इनके लिए फूड क्या दे? वैसे सर मार्केट में तो बहुत सारे फूड अवेलेबल है, बट पैलेट को छोड़ के इनको स्टीम एग देना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टीम एग एक ओवरऑल फूड उनके लिए बहुत ग्रूमिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। और जैसे कि आपने वीडियो बनाया था इसके पहले भी, होममेड फूड फॉर फिशेस,
तो वो आप देख सकते हैं और उससे आपको स्टीम है कैसे बनाना है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। शम्स को मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं दिया है भाई, ऐसे ही बोल रहे हैं, उन्होंने देखा होगा, ठीक है। तो गुड क्वालिटी फूड जी, ओके। मैंने सुना है जहां पे ये लोग ब्रीड करते हैं थाईलैंड में, ठीक है, वहां पे क्या खाना खिलाते हैं? सर वहां पे उनको टोटली स्टीम एग डाइट पे रखते हैं और उनके स्टीम एग में अलग अलग टाइप के लाइक कैरेट्स होते हैं, पीज होता है, कुछ कलर एनहांसर्स होते हैं, स्पिरुलिना, एस्टाक्सांथिन, तो ये उनको फीड करते हैं थाईलैंड के फार्म्स। ज्यादातर स्टीम एग ही है, इज कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड प्रोटीन भी अच्छा है जी, एंड उसमें फाइबर भी ऐड करते हैं। यस, That's amazing to know. Okay, so इसका मतलब ये है कि सिर्फ पैलेट में मत रखो, थोड़ा वैरायटी भी दो। Okay, मैंने काफी चीजें सुना है, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, गोल्डफिश को फीड करने का तरीका बेस्ट क्या है? गोल्डफिश को फीड करने का तरीका ऐसा है कि आप जब भी टैंक के पास जाओ, थोड़ा थोड़ा उनको फीड दे के ही वापस आओ। मतलब मैं 15 बार टैंक के पास जाता हूँ तो 15 बार खाना डालू? Yes, but little, बहुत कम। अच्छा, ये बहुत कम का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 7-8 मछली, करेक्ट, इनको आप कितना खाना डालोगे? 1 ग्राम, 2 ग्राम? एक पिंच में जितना खाना था उतना, एक चिटकी, एक पिंच, बड़ा पिंच, yes. एक पिंच में जितना खाना होता है उतना, बट 6-8 बार 10 बार? Yes, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ही चाइनीज, जापानीज, जितने भी एशियन कंट्रीज के लोग भी है वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बहुत बार खाते हैं और हेल्थी, तगड़ा, यू नो, तगड़ा नहीं, पतला रहते हैं, ठीक है, स्लिम ट्रिम रहते हैं, मेरे जैसा नहीं। हम लोग इंडियंस का आदत क्या है, सुबह में एक बार मस्त, यू नो, एंड दोपहर में तो लगा देते हैं, फिर सो जाते हैं, रात को फुल पार्टी, ओके, बट वो इट्स नॉट अ गुड सिस्टम। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड सिस्टम एग्जॉटिक गोल्डफिश के लिए कि थोड़ा 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 मल्टीपल टाइम्स फीड करें। वेरी यूनिक। अभी पानी साफ आपने बोला ऑलरेडी, वाटर चेंज? सो मैं अपने यहाँ पे डेली 30% वाटर चेंज फॉलो करता हूँ और आफ्टर एवरी वाटर चेंज मैं वाटर में वाटर कंडीशनर्स डालता हूँ। अच्छा, वाटर कंडीशनर्स मतलब आप ADA का विटामिक्स या API का स्ट्रेस हील, ये सब यूज कर सकते हैं? और कोई वैरायटी है जो यूज कर सकते हैं? क्लोरिन रिमूवर, बिकॉज हमारे BMC का पानी यूज कर सकते हैं क्या? BMC का पानी यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर एवरी वाटर चेंज आपको डीक्लोरिनेट करना है, पानी को करना ही है जी। अगर मैं 2 दिन पुराना पानी यूज करूं तो नहीं करना है, बट आपको श्योर रहना चाहिए कि पानी में क्लोरीन कंटेंट बहुत कम है, टेस्ट करना जरूरी है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ पानी टेस्ट करो, जरूरी है। तो शम्स, इन फिश में आप वैसे भी बोल रहे हो कि फिल्ट्रेशन अच्छा रहना चाहिए, वाटर चेंज अच्छा रहना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, तो डिजीज होने का चांसेस कम रहता है, बट डिजीज हो भी सकता है, टेम्परेचर चेंज, वाटर क्वालिटी, ये सब में डिजीज हो सकता है। कौन से डिजीज होते हैं ऐसे एग्जॉटिक फैंसी गोल्डफिश के? फैंसी गोल्डफिश में जो 5 कॉमन डिजीजेस है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गिल फ्लूक्स, इच, और हेड रॉट, ओके, क्राउन जिसको जेली रॉट बोलते हैं, जेली रॉट, तो ये 5 डिजीजेस बहुत कॉमन है गोल्डफिशेस में। इक या व्हाइट स्पॉट सेम है जी, ओके, तो आप इसके लिए मेडिसिन क्या यूज करते हैं? सो मैं उसके लिए निका का मेडिसिन यूज करता हूँ, इच के लिए मेडिसिन है निका कंपनी का। ये जो निका के मेडिसिन यहाँ पे है जी, ये वाले जी, ओके, इसका एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, निका मेडिसिन आप देख सकते हो। ये क्यों निका मेडिसिन आप यूज करते हो मेरे को बताओ? सर क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे है और थाईलैंड और मलेशिया में जो ब्रीडर्स है तो ये मेडिसिन, मैंने उनसे भी बहुत बात किया है तो ये मेडिसिन का बहुत इसमें नाम आया है, okay. तो इसलिए मैं मेडिसिन यूज करता हूँ, करते हैं। तो निका का मेडिसिन आप शम्स से भी ले सकते हो, हमारे से भी ले सकते हो, बहुत यूजफुल है। इसमें अलग अलग वैरायटी है, जैसे गिल्स के लिए, फंगस के लिए, लाइस के लिए, फ्लोटेड मतलब वो स्विम ब्लैडर डिजीज के लिए जो उल्टा हो जाता है फिश, वो सब के लिए मेडिसिन है। बहुत वैरायटी, इंटरेस्टिंग मेडिसिन, आपका मर्जी, आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो अपने गोल्डफिश के लिए भी। एक चीज है शम्स, ओके, एग्जॉटिक गोल्डफिश महंगे हैं, बहुत लोगों को डिफरेंस पता नहीं, रेगुलर गोल्डफिश एग्जॉटिक गोल्डफिश में डिफरेंस पता नहीं। रेगुलर गोल्डफिश 20 रुपए में मिलता है, 5 रुपए में भी मिलता है, तो आपका गोल्डफिश थोड़ा एक्सपेंसिव क्यों है?
सर उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्वालिटी 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 यस दैट इज द ओनली थिंग आई वुड सी. ये एक्चुअली एक वर्ड में शम्स ने बहुत कुछ कह दिया. अगर आपको क्वालिटी चाहिए, आपको लाइफ चाहिए, अच्छा गोल्डफिश चाहिए, अच्छा कलर चाहिए, तो वो महंगा होगा ही. ठीक है, आपको समझना है ये बात कि जो ऑर्डिनरी गोल्डफिश आपको 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए में मिलता है, वो जो ब्रीड करते हैं तो हजारों बच्चे आते हैं, लेकिन ये वैरायटीज जो ब्रीड करते हैं बहुत कम बच्चे आते हैं. उधर अगर हजारों आते होंगे तो यहां पे 25 30 या 50 ही आते होंगे, और वो कलर वो स्पेसिफिकेशन वो लेते हैं. अभी ऑर्डिनरी भी मिल जाता है बट उसका प्राइस वैसे ही कम होता है. तो ऑलवेज क्वालिटी अगर लेना चाहो तो प्राइस में थोड़ा ये वो बोलते ना बार्गेनिंग मत करो बिकॉज ये क्वालिटी का होता है. ठीक है, मैं तो प्राइस बताऊंगा नहीं बिकॉज मेरे वीडियो में मैं प्राइस बताता नहीं हूं, बट जो प्राइस शम्स ने मेरे को बताया है आई थिंक इट इज वेरी वेरी रीजनेबल. ओके, इसलिए मैं भी अपने टैंक में डालने वाला हूं. ठीक है, तो चलो वो टैंक कैसे बनाते हैं क्या करते हैं फटाफट देखेंगे. आ जाओ, तो आपने अभी शम्स पार्कर से बात किया, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स समझे, जाने कुछ. अभी फटाफट टैंक सेट करते हैं. ये है बायो ऑर्ब, एक जर्मन कंपनी है, बहुत इंटरेस्टिंग टैंक है, मैं दिखाता हूं आपको. ये इसको लाइफ 30 लीटर बोलते हैं, लाइफ इज द ब्रांड, 30 लीटर कैपेसिटी है एंड छोटा टैंक है, गोल्डफिश भी छोटे हैं, बट याद रखो छोटे टैंक में गोल्डफिश रखना उतना अच्छी बात नहीं है, उनको बड़ा टैंक लगता है एज दे ग्रो, बट अभी छोटे हैं तो इसमें रखने वाला हूं आपको दिखाने के लिए, आप ट्राई कर सकते हो. बायो ऑर्ब वाले बोलते हैं कि इनका टैंक सेटअप 2 मिनट में हो सकता है, मैगी नूडल जैसा. चलो 2 मिनट में सेट करते हैं फटाफट. ओके, तो ये है बायो ऑर्ब का लाइफ 30, बहुत इंटरेस्टिंग है, टू साइडेड दिख रहा है ना, टू साइडेड. आप ऐसे जगह रख सकते हो घर में जो पैसेज है दोनों तरफ से दिखे, मतलब आपके घर के एंट्रेंस में आप आ रहे हो तो वो साइड में सोफा वगैरह है, हॉल के एंट्रेंस में या पैसेज में. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें लाइट सब इधर ही है और ये लाइट के लिए रिमोट आता है. बेस्ट पार्ट क्या है, आप ब्लू लाइट या येलो लाइट या कोई भी कलर लाइट या व्हाइट लाइट वो भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स कर सकते हो, डिस्को लाइट भी कर सकते हो. हाँ, ऑफिस टेबल पे बहुत सुंदर दिखेगा. एंड अभी गोल्डफिश डालने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं, इन्होंने बोला है 2 मिनट्स में होगा, 2 मिनट्स में होगा क्या आप बताओ. ये टैंक का एक्सेसरीज दिया है उन्होंने एक बॉक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये सब लावा रॉक जैसा है, स्टोन्स है डेकोरेशन के लिए. ये फिल्टर है, ये एयर पंप और ये अडैप्टर एयर पंप का. तो फटाफट इसको निकाल के रेडी करते हैं चलो. ये इसका फिल्ट्रेशन है, यहां पे फिल्टर बैठता है, इसको घुमाया वो निकल जाता है. ये एयरस्टोन है, ये वाला पानी नीचे से आएगा, यहां पे गैप है नीचे, एयरस्टोन की वजह से, एयरस्टोन जब हम ऑन करेंगे ये प्रेशर क्रिएट करेगा, नीचे से आएगा और ये पाइप के थ्रू पानी बाहर आके ऐसा रोटेटेड सर्कुलेशन दोनों तरफ से, मतलब ऐसा भी होगा ऐसा भी हो, ये इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है. एक अगेन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जर्मन कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने एक हैमबर्ग मैटन फिल्टर करके बना के दिखाया था, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन भी है, कुछ दूसरे मीडिया के ये भी है, स्पॉन्ज भी है, मीडिया जैसा काम करता है और ये अंदर बैठ जाता है. ये जो है ना इसके अंदर ऐसे बैठता है और ये लॉक हो जाता है, ये लॉक हो गया निकलेगा नहीं, और इसको हम यहां पे अंदर ऐसा फिट करेंगे और फिर से इसको लॉक कर देंगे. देखो ये लॉक हो गया, उठेगा नहीं, पूरा टैंक उठेगा अगर उठाया तो, टाइट हो गया.
परफेक्ट। नाउ इसका जो एयर पंप है, कंपनी का दिया हुआ एयर पंप है, ओके, ये पावर में जाएगा और इसका जो एयर ट्यूब ये रहा, ये नीचे कनेक्टेड है, ये देखो ये नीचे कनेक्टेड है एयर ट्यूब इसका, ओके, ये इधर फिट हो जाता है और ये रेडी। इसमें उन्होंने ये एक लावा स्टोन जैसा दिया है, बट मैं ये यूज नहीं करना चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट यूज इट, मैं सिर्फ फिश डालूंगा इसमें बिकॉज मेरे को लगता है वही ज्यादा सुंदर दिखेगा, बट ये भी एक ऑप्शन है। तो ये यहां पे इसका लाइट है अंदर, उन्होंने एक अडेप्टर दिया है जिसमें आप एक जगह लाइट फिट कर सकते हो, एक जगह एयर पंप भी फिट कर सकते हो और ये एक ही प्लग में दोनों काम करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, दो दो प्लग का जरूरत नहीं है। तो अभी हमने पानी भर दिया है, इसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया है, सिंपल एयर पाइप कनेक्टेड है एयर पंप, ओके, और वो एयर स्टोन से पानी बाहर आ रहा है, सक्शन क्रिएट हो रहा है, हमको दिखता नहीं है लेकिन पानी ऊपर जाके नीचे से ऐसा घूम के आ रहा है। लाइट ऑन करके देखते हैं कि ये कैसा उसके लिए रिमोट लगेगा। ये इसका रिमोट है, ऑन करता हूं, वाओ ऑसम, अभी RGB दिया है, रेड ग्रीन, अरे ग्रीन क्यों नहीं आ रहा, ग्रीन ब्लू और व्हाइट, ये ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए, वाओ, और ये कलर एडजस्ट करने के लिए, देखो पर्पल हो गया, बहुत टाइम पास हो सकता है इसमें, सब कलर आएगा एंड आई थिंक ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, वो कलर चेंज होते रहेगा, दिस इज एन एडेड डिस्को इफेक्ट, बट अभी के लिए इसको ऑफ करते हैं और फिश डालते हैं। ऐसे डेलिकेट और सेंसिटिव गोल्डफिश के लिए नेट यूज करना कभी कभी इज नॉट अ गुड आइडिया, सीधा ऐसा हाथ में पकड़ के गोल्डफिश को हम अंदर डाल देंगे। तो बेस्ट है, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 2 मिनट में सेट हो गया। हाँ, मैं वो स्टोन्स वगैरह नहीं डाला बिकॉज थोड़ा आई फील वो क्लीन नहीं दिखता है, बट इफ यू वांट आप वो फिल्टर को कवर कर सकते हैं स्टोन्स वगैरह डाल के, आपका चॉइस का कोई पेबल्स या स्टोन्स वगैरह डाल सकते हैं, सैंड डाल सकते हैं, आपका मर्जी है, सैंड मत डालो बिकॉज वो फिल्टर में अटक सकता है, पेबल्स इजी स्मॉल साइज। अभी इसमें ये गोल्डफिश बहुत सुंदर दिख रहे हैं, टैंक भी बहुत सुंदर दिख रहा है, इसमें तामझाम भी काफी है लाइट का, देखो अपने आप लाइट चेंज होता रहता है, आप आराम से यू नो ऑफिस में रख सकते हो, घर में रख सकते हो, यू नो इट कैन बी शाम को घर में बैठे हो तो खाली ये डाल दो ड्राइंग रूम में, मस्त दिखेगा, बहुत सुंदर, बट इज इट रियली इफेक्टिव, मेरे हिसाब से शायद नहीं। डेकोरेटिव अच्छा है, मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल होगा इसमें क्योंकि क्लीन करना पड़ेगा, कचरा निकालना पड़ेगा, ओके, ये सब करना पड़ेगा और फीडिंग भी लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। हमने ये टैंक में फिश शिफ्ट किया, थोड़ा मेरे को लगा कि वो स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, बोल में ये सब गोल्ड फिश नहीं रखना चाहिए, एक आइडिया अच्छा लगा तो मैंने आपको दिखा दिया, बट आप समझदार हो, आप जानकार हो, आप जो ठीक समझे वैसे हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आपको ये वाला टैंक जो बायो और लाइफ आपको घर में चाहिए या आपको इंटरेस्टेड है ऑफिस में, कहीं पे भी, अभी ऑफिस तो नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल दे देंगे, ओके। रिमेम्बर बायो ऑर्ब, ये ओआसे कंपनी का है, ओआसे फिल्टर्स जो है उन्हीं का बायो ऑर्ब, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा,
एंड इसमें ना वो गप्पीज मॉलीज ऐसे छोटे फिश या एक गुरामी बेटा के लिए ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बहुत यूजफुल, गोल्ड फिश के लिए उतना नहीं। गोल्ड फिश बहुत खाता है, कचरा भी करता है, सो नॉट द बेस्ट आइडिया, बट इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मजेदार दिख रहा है, सो ऐसे चलो दिखाते हैं, मजा आएगा। ओके तो शम्स, ये आइडिया कैसा लगा? सर ये आइडिया बहुत ब्यूटीफुल है जी, बट मैं वही सोच रहा था गोल्ड फिश के लिए मतलब थोड़ा छोटा हो गया ना। हाँ ये गोल्ड फिश के लिए कंपेटेबल नहीं है। तो शम्स आज आपने टाइम निकाला एंड हमारे साथ बने, वीडियो बनाया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं जानता हूँ मीरा रोड से यहाँ पे आना, फिश लेके आना मेहनत का काम है, बट आपने किया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके एंड थैंक यू वेरी मच आपके डैडी से भी, बिकॉज वो भी आए हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ शम्स की आपका उम्र छोटा है, आप और भी सीखो और भी बढ़ो, एक यूट्यूब में चैनल भी बनाओ ताकि लोग गोल्ड फिश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे। एंड आपको भी लगता है बनाना चाहिए गोल्ड फिश हाउस का वीडियो, अगर बनता है तो आपको भी पसंद आएगा जरूर, ठीक है? गोल्ड फिश के बारे में बहुत इंटरेस्ट है लोगों को, ये मेरा आशा भी है और बड़े होके आशीर्वाद भी है कि आप अच्छा करें, हॉबी में अच्छा करें, सबको अच्छा क्वालिटी का फिश लेके आए, ठीक है? और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो बहुत एंजॉय किया, मजा लिया, कुछ नया सीखने को मिला, देखने को मिला, कुछ अच्छा पॉइंट शम्स से सुना हमने, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना हमने, एंड एक टैंक भी सेटअप कर लिया यही टाइम में। तो अगेन आई होप आपने बहुत मजा लिया, एंजॉय किया, एंड आज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से एंड गोल्ड फिश हाउस शम्स पार्कर की तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा केयर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, शम्स से ही मिलेंगे, बिकॉज कुछ नया वेराइटी आ रहा है टाइगर रैंचो, ठीक है? मेरे को तो ये फिल्म स्टार का नाम लगता है, बट देखेंगे क्या फिश है, कैसा लगेगा, बहुत मजेदार वीडियोस बनेंगे, बनते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, ठीक है? बाय।